आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या क्या दे रखा है कि इफ एल एन वाई इक्वल टू 3 sin inverse x के बराबर दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एट एक्स इक्वल टू अपने 1/2। इसका वैल्यू निकालना वो भी एट एक्स इक्वल टू 1/2 पे। चलिए सबसे पहले अपने क्या दे रखा है, एल एन वाई इक्वल टू दे रखा है अपने पास 3 sin inverse x के बराबर दे रखा है। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर लीजिए। जैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/y (y′) इक्वल टू अपने के स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ से आगे अपने के पास 3 sin inverse x यानी 3/√(1 − x²) के बराबर, हाँ या ना, यही आ जाएंगे बराबर। तो यहाँ से अपने के पास y′ बताइए, y′ अपने के स्क्वायर आ जाएंगे, तो ये किस आ जाएंगे 3y/√(1 − x²) के बराबर। अब अपने के पास क्या कीजिए, x की जगह 1/2 पुट कर लेते हैं, क्योंकि अपने के पास y′ तो निकालना ही है। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, x की जगह 1/2 पुट कीजिए। जैसे 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने y′ की आ जाएंगे, तो 3 × y, y की जगह अपने के पास क्या कीजिए, इसमें x की जगह 1/2 पुट कर लीजिएगा। x की जगह जैसे 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने के बराबर जाएंगे, ये अपन के पास किस बराबर है, तो एल एन वाई, वाई का वैल्यू तो हमें निकालना है ना। यहाँ से आगे x बराबर एल एन वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे 3 sin inverse 1/2 के बराबर, sin inverse 1/2 किस बराबर जाएंगे, तो 3 यहाँ से हम नीचे लिख लेते हैं, ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये अगर अपने के पास आ जाएंगे 3 × π/6 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से आगे अपने पास π/3 के बराबर, यानी एल एन वाई किस तरह आ जाएंगे π/3 के बराबर, वाई वोल्टी किस तरह आ जाएंगे, तो ये आगे अपने पास 1/2 साइन इन्वर्स है ना, साइन इन्वर्स अपने पास 1/2, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया वाई इक्वल टू ई की पावर में 3 × 6, ये अपने पास 2 होगा भाई। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये किस तरह आ जाएंगे, ये आ गया π/2 के बराबर, हाँ या ना, π/2। यहाँ से आगे एल एन वाई अपने के पास इसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से एल एन वाई अपन के पास ये आ गया, तो वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ई के पावर में π/2 के बराबर, हाँ या ना, π/2 के बराबर। अब देखिए दो ही ऑप्शन है, पर ए और बी, तो अपने के ऐसे भी छट गया, खैर देख लेंगे। तो ये आ गया इसके बराबर, ये साइन इनवर्स 1 है, ठीक है। तो यहाँ से वाई अपने के पास इसके बराबर हो गया, जब अपने के पास वाई इसके बराबर हो गया तो यहाँ से अपने के पास बताइए, तो जैसे 1/2 पुट करेंगे तो इस आ जाएंगे ई के पावर में π/2 के बराबर, और √(1 − 1/4) के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो एक सर आ जाएंगे 4 × 6 × e^2 और √(√3) के बराबर, यानी y′ अपने पास एट एक्स इक्वल टू π/2 पे ए इसके बराबर हो गया। अब अपने पास y′ भी निकालना है, चलिए y′ हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, कहाँ पर, तो यहाँ से अपने पास y′ बताइए, y′ अपने पास थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। यहाँ से आगे अपने पास 1/2, तो 1 − x², और इन पूरे का अपने क्या आ जाएंगे स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का अपने क्या है, पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये अपने क्या एज इट इज हम इसी के बराबर रहने देते हैं बराबर, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने क्या ए स्क्वायर। यहाँ से अपने किसकर आ जाएंगे तो 1 − x² और इन टू किसकर आ जाएंगे y′ के बराबर, उसका भी अपने क्या स्क्वायर रूट है, कुछ तो गड़बड़ किए हैं या अपने क्या नहीं, गड़बड़ नहीं है। और माइनस टाइम्स अपने कैसे बताइए, तो y × अपने कैसे बताइए, तो ये किसकर आ जाएंगे √ या गया 1 − x², तो 1 − x² और इन पूरी के पावर में आपने क्या 1/2 है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डायरेक्ट, हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके हम ऊपर लिख देंगे, तो ये आ गया अपने किस बराबर, तो 1 − x² की पावर में आपने किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास −1/2 के बराबर, हाँ ना, और इंटू आपने किस आ जाएंगे 1/2 के बराबर, और इंटू आ गया −2x के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ गया −1 − x² के बराबर, 1 − x² के बराबर, और इन पूरी के पावर में आ गया अपने पास 1/2 के बराबर, हाँ ना, और ये आ गया अपने के पास इस बराबर, तो ये आ गया अपने के पास, अरे बताओ, तो ये आ गया −2x के बराबर, हाँ है ना, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही लिखा हुआ है −x के बराबर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये आ गया अपने के पास y × x × यहाँ से आ गया अपने के पास 1 − x² और इन पूरी के पावर में 1/2 के बराबर, और कुछ नहीं लिखा हुआ है बराबर। ये हम आपको डिफ्रेंशिएट करके आपको दिखा दिए कि ये अपने के पास इसके बराबर लिखा हुआ है बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लेते हैं, थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास y′ 1 − x² और इक्वलिटी किस तरह हो जाएंगे, तो ये किस तरह आ जाएंगे √(1 − x² के बराबर, हाँ है ना, और ये आ गया अपने के पास × y′ के बराबर, और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे xy × 1 − x² और इन पूरी के पावर में अपने पास 1/2 के बराबर है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास y′ 1 − x² और ये अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये अपने पास माइनस है, क्या किस तरह माइनस के बराबर है। यहाँ से अपने का सॉल्व कर लेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 1 − x² और ये आ गया अपने के पास किस बराबर, इसका अपने के पास स्क्वायर रूट है, और ये आ गया y′ के बराबर, और प्लस टाइम्स ये किस बराबर xy और √(1 − x² के बराबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। इसको थोड़ा बहुत और सॉल्व कर लेते हैं, तो y′ अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 1 − x² के बराबर,
और इसको गौर से देखते हैं ना, तो यहाँ से अगर इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास 3y लिखा हुआ है, और प्लस टर्म्स अपने के स्क्वायर हो जाएंगे, तो एक्स वाई और होल अपोन अपने के आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। एक चीज़ की अपने पास यहाँ पर कमी है, यहाँ पर अपने पास ये जो मल्टीप्लाई है ना यहाँ पर 3, इसी को डिफ्रेंशिएट किया ना, तो यहाँ से अपने पास ये जो मल्टीप्लाई है ये अपने पास 3 मल्टीप्लाई करना भूल गए, यहाँ से अभी अपने पास क्या आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई करना भूल गए, यहाँ से भी अपने पास क्या आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई करना भूल गए, तो ये आ गया अपने पास यहाँ पर भी अपने पास क्या आ जाएंगे 3 के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया अपने पास 3y के बराबर। अब अपने पास करना क्या है, तो अब अपने पास कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, यहाँ से आ गया अपने पास वाई डैश और हमें चाहिए क्या एक्स इंटू वाई के बराबर। यहाँ से अपने पास ये सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 3y के बराबर, हमें चाहिए वाई डैश, वाई डैश अपने के करा देंगे, तो यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ से आ गया अपने पास y डबल डाइस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू आ गया एक्स बराबर, तो ये आ गया अपने पास 9y और प्लस टेन अपने किस करा देंगे 3xy और होल अपोन में अपने कैसे बताइए, तो होल अपोन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना, तो y डाइस को अपने के पास इसमें लाना है, y डाइस को अपने के पास कैसे ला सकते, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा यार, तो y डाइस से अपने पास यहाँ से y डाइस लाया जा सकता है क्या, तो y डाइस अपने के पास करा देंगे, तो y अपोन में इस पूरे को अगर गौर से देखते हैं, इस पूरे को y अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ये अपने कैसे क्या लिखा हुआ पता है 3 इंटू 3y और प्लस टाइम्स अपने के पास इसको अगर गौर से देखते हो, किसको इस वाले पार्ट को अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने कैसे क्या लिखा हुआ है, ये अपने कैसे y डैश और अपॉन में 3 लिखा हुआ है। हाँ या ना, अगर आप गौर से देखते हो तो यह y अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ y डैश के अपॉन 3 के बराबर, यानी किस बराबर है एक्स वाई डैश और अपॉन में आ जाएंगे 3 के बराबर। हाँ या ना, बराबर, तो यहाँ से अपने कैसे ये इसके बराबर हो गया, तो अपने पास एक्स वाई डैश आ गया, यहाँ से अपने पास कैलकुलेशन कर लीजिए वाई डबल डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया एक्स बराबर, तो 9y और प्लस टाइम से ये किस आ जाएंगे, तो एक्स वाई डैश के बराबर। बराबर, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर ऊपर करेक्शन कर लीजिएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से अपने पास वाई डबल डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम से एक्स वाई डैश अपने पास किस आ जाएंगे, तो 9y के बराबर। हाँ है ना, और 9y, y अपने का 6 के बराबर है, तो y हमारे पास e की पावर पाई बाई 2 है, तो 9 इंटू ई की पावर में किस आ जाएंगे पाई अपॉन 2 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर अपने किस आ जाएंगे इसके बराबर हो जाएंगे। तो ये अपने का कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी के आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक जो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बराबर, तो ये जो अपने का वाई स्क्वायर है ना, ये अपने का वाई स्क्वायर नहीं बल्कि अपने का 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा और कुछ नहीं। तो ये थे अपने के जेई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से होने में तो बना कराना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस इतने इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट्स स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।